नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय उम्मीदवार अशोक सिंह ने मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ अचलेश्वर मंदिर पहुंचकर मत्था टेका, जिसके बाद वे रोड शो के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद रहे। रोड शो का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया, जिस पर अशोक सिंह ने भी सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए उन्हें जी जान से प्रचार में जुट जाने का संदेश दिया। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने इस बार अशोक सिंह को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। श्री सिंह नामांकन के आखिरी तिथि पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रोड शो के साथ नामांकन दाखिल करने निकले। अचलेश्वर मंदिर से शुरू हुए इस रोड शो में श्री सिंह और उनकी पत्नी के साथ ही प्रदेश सरकार में मंत्री लाखन सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, विधायक मुन्नालाल गोयल, प्रवीण पाठक, जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, रश्मि पवार सहित तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे और रोड शो में शामिल हुए। भगवान से मैंने भी उसी तरह से अपने लिए कामना मांगी है कि ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और उनकी कृपा से इस ग्वालियर के सभी लोगों के जीवन में उन्नति और विकास आता रहे। रोड शो अचलेश्वर मंदिर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है और उनका फोकस विकास पर रहेगा। लोकसभा चुनाव में मेरे ही सामने नहीं, देश के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। जिस तरह से पिछले 5 सालों में नोटबंदी, GST और भी तमाम सारी चीज़ें लाद के जिस तरह देश की आर्थिक व्यवस्था को, किसानों को तबाह किया गया है, उस सब को लेके युवकों को 2 करोड़ की रोज़गार देने का वादा, उस सब जिस तरह से किया गया है, वो बहुत बड़ी देश के सामने चुनौती है। और उससे भी बड़ी चुनौती देश को, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ, देश के लोकतंत्र के लिए जो चुनौती पैदा की जा रही है, वो चुनौतियाँ पूरे देश के सामने हैं। उसको, उन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश में जो हमने वचन पत्र दिया था वो लगभग 70% पूरा किया और इतने कम समय में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हो रही घोषित अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस कटौती के लिए भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं। सरकार कांग्रेस की है तो दोष हम पर क्यों? यदि सरकार नहीं चल रही है तो हटे, रास्ता खाली करें, क्योंकि अब जब भी बिजली जाती है तो लोगों को मामा की बहुत याद आती है। भाजपा प्रत्याशी विवेक नारायण सेजवलकर के समर्थन में रामलीला मैदान मुरार में सभा लेने आए शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस झूठ सच बोलकर सरकार में तो आ गई, लेकिन वादे पूरे नहीं कर रही है। जनता स्वयं को ठगा महसूस कर रही है। सभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा, श्रीमती माया सिंह, विधायक भारत सिंह, सतीश सिंह सिकरवार सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। चुनाव देश की जनता भी जीतना चाहती है और कार्यकर्ताओं से बड़ी। हमने सबने देखा है कांग्रेस की 1947 से सरकारें, जो काम मोदी जी की सरकार ने किए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, ये दोनों की तुलना अगर हम करें तो ये वास्तव में चुनाव का हमारा ये मुद्दा होना चाहिए। हमने इसके बारे में जरा हमको बताएं, 5 महीने के अंदर हम देखते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। हमको ये भी जानकारी है कि 3-3.5 महीने पहले, 4 महीने पहले जब कांग्रेस ने चुनाव में वचन पत्र अपना घोषित किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपये का ऋण किसानों का माफ़ किया जाएगा। आज तक किसी का ऋण माफ़ नहीं हुआ। 4,000 रुपये भत्ता युवकों को, उसके शासन के समय बहुत तेज़ी से खरीदारी हम लोगों ने प्रारंभ की थी। पर यहाँ पर ये देख करके अत्यंत आपको दुख भी होगा कि यहाँ का किसान जो है वो खून के आंसू रो रहा है
और उनका जो फसल है उसको खरीदने वाला सरकार कोई नहीं है, यहाँ तक कांटे भी नहीं लगे हैं। इतना ही नहीं मित्रों, जिस मध्यप्रदेश की सरकार ने करीब 2100 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदी की थी, आज वो सरकार जो है कोई खरीदी करने में असफल रही है। और इसलिए प्रत्येक किसान को अपना जो फसल है वो 1400-1500 रुपये क्विंटल के भाव से देश में, इसके बारे में इनके घोषणा पत्र की बात आप सुनिए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है राहुल बाबा ने कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 72,000 रुपया वो प्रत्येक परिवार को देंगे भत्ते के रूप में। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब कोई सरकार सत्ता में आएगी और क्या वो जनता को दिए वादे निभाएगी? फिर से एक बार कांग्रेस जो है एक झूठ परोसकर और बड़े मतलब धोखे के साथ सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस जो है लगातार मोदी जी के प्रति झूठ बोलकर एक तरह से उनको अपमानजनक टिप्पणियां कर उनको रोकने की कोशिश कर रही है। उनका क्या गरीबों की बात अगर बंद करें, गरीबों के लिए मकानों की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो रही है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर हम लोगों ने सब महिलाओं को बांटे हैं। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से 5,00,000 रुपये तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति का मुफ्त में हो रहा है। ये सारी की सारी बातें गरीबों के लिए ये केंद्र की सरकार कर रही है। और इसीलिए कांग्रेसी नेता और सारा विपक्ष पूरी तरह बौखलाया हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, किस तरह से जो इस सरकार की खामियां गिनाएं। और इसीलिए केवल झूठे आरोप लगाकर मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा और कांग्रेस सरकार की 5 महीने की विफलताएँ ये हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। मित्रों, मैं लगातार पिछले 2-3 दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत उत्साह से कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। मिित्रों, मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय विपक्षी दल आज हमारे सामने खड़े एकजुट जरूर हो गए, पर उनमें से एक एक की बात अगर अपन करें, राहुल बाबा, उनकी माताश्री और उनके जीजाश्री की बात अगर अपन करें, तो तीनों के तीनों जमानत पर हैं। जिस दिन कोर्ट की जमानत खारिज हो जाएगी उस दिन तीनों के तीनों जेल में होंगे। वो कह रहे हैं कि मोदी चोर हैं, वो मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव वो भी लालू को भला बुरा कह रहे हैं। जरा उनसे पूछिए, आपके पिताश्री लालू प्रसाद यादव क्या किसी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेकर जेल में गए क्या? वो सजा काट रहे हैं जेल में भ्रष्टाचार। नामांकन सभा में शिवराज सिंह पूरे समय राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिए रहे। उन्होंने कहा, राहुल झूठ बोलने के रिकॉर्ड बना रहे हैं। हकीकत यह है कि कांग्रेस खानदानी भ्रष्टाचारी पार्टी है। 2G, 3G, 4G जीवाजी घोटाला कर नए रिकॉर्ड कायम किए। यह शर्म की बात है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की मानसिक अवस्था 1-5 वर्ष के बालक जैसी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी वो भी कई रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लगातार कहते रहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बताइए, निम्न स्तरीय भाषा में प्रधानमंत्री के बारे में बात करने का रिकॉर्ड तोड़ा तो कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय राहुल गांधी ने तोड़ा। इसकी मानसिक आयु 5-10 साल के बच्चे जैसी लगती है। ये मैं मजाक में नहीं कर रहा, सारे मोदी चोर है। कोई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष ऐसी बात कहे तो शर्म आती है कहते हुए कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के वो अध्यक्ष है। यहीं पे वो नहीं रुके, रफेल में झूठ बोला उन्होंने, झूठ का रिकॉर्ड फिर तोड़ा, और बाद में मध्य प्रदेश में भी झूठ के कई रिकॉर्ड तोड़ गए। मध्य प्रदेश में आए, सभा में भाषण दिए, किसान भाइयों चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, कांग्रेस को जिताते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मीडिया के मित्रों तुम भी देख लो यार, हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है, वो कह रहे हैं कर जाओ, ढोल पीट रहे ढोल पूरे हिंदुस्तान में। 2 घंटे में कर्जा माफ कर दिया, वो कह रहे हैं कर्जा माफ कर दिया। कमलनाथ मोबाइल मैसेज कर रहे हैं, श्याम लाल तेरा कर्ज माफी का आवेदन मिला लेकिन मैं क्या करूं, आचार संहिता लग गई, अभी माफ नहीं होगा, अब बाद में देखा जाएगा। ग्वालियर के इंद्रगंज इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह की रैली में शामिल होने जा रहे एक युवक के साथ बोर्डिंग के कुछ युवकों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद घायल युवक सीधे इंद्रगंज थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। युवक का नाम गौरव यादव बताया गया है और उसका कहना है कि राजपूत बोर्डिंग के लड़कों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। अरे हम तो साथ में प्रचार के लिए आए थे, अब रैली में आए थे जी, बस रैली में आए थे, और ये जो छात्रावास के लड़के थे और सब लोगों ने घेरा
और नाम पूछा, नाम पूछने के बाद मैंने जब अपना नाम बताया तो उन लोगों ने सबने मारपीट स्टार्ट कर दी। बस होंगे 15 से 20 लोग होंगे, 20 लोग, कोई आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, मेरा झगड़ा कतई है ही नहीं किसी से भी, है ना। तो बस उन्होंने नाम पूछा और नाम पूछने के बाद उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। मेरी एक अंगूठी भी गिरी है और मेरी लूट, मतलब बोर्ड का जो भी व्यक्ति का जो रीजन रहा हो, उन्होंने आगे मेरा पहले हाथ, एक व्यक्ति ने हाथ पकड़ा था और हाथ पकड़ के ऐसे पूछा मेरा नाम क्या है और फिर स्टार्ट कर दिया था मारना पीटना। एक गौरव करके युवक है, वो अभी आए थे, कि उन्होंने बताया कि मैं उसके लिए जा रहा था रैली के लिए, तो इंद्रगंज के पास कुछ लड़कों ने आकर उनके साथ मारपीट की है, तो उसको मेडिकल के लिए भेजा है और जो घटना होगी उसकी प्रॉपर FIR करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब इनका भी अटेंडम, जैसे ही उसने बताया कि चोट लगी है तो मेडिकल के लिए भेज दिया है, जैसा आगे चीज़ें आएंगी पता लगेगा उसमें क्या है। शहर वासियों को गर्मी के मौसम में खरीदारी के साथ मनोरंजन का विकल्प देने के लिए ग्वालियर मेला प्राधिकरण की ओर से इस बार समर नाइट मेला लगाया जाएगा। इस बार मेले को भव्य स्वरूप देने की प्लानिंग है, इसलिए इस मेले में अभी तक 400 दुकानें आवंटित की जाती थीं, लेकिन इस बार 500 दुकानें अलॉट की जाएंगी। इस साल मेले में एंटरटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, इसमें अलग अलग प्रकार के झूले के साथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रहेगी। इसमें पैंडल बोट का भी विकल्प रहेगा। इस जोन को खासतौर पर बच्चों और फैमिली के लिए डिजाइन किया जाएगा, इसलिए इस जोन में महिलाओं के लिए नाव सहित परंपरागत झूले भी लगाए जाएंगे। समर नाइट मेले की शुरुआत 15 मई से हो जाएगी। इस बार इस मेले की अवधि 30 दिन रहेगी। यदि सैलानियों की संख्या बढ़ती है तो मेले की अवधि को 10 दिन और बढ़ाया जाएगा। मेले में दुकानों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मेला सचिव PC वर्मा का कहना है कि समर नाइट मेले में ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार आ सके, इसलिए इन दुकानों की बुकिंग जो पहले कराएगा उसे ही प्रदान की जाएगी। इसमें पिछले वर्ष की बुकिंग के आधार को मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जिन दुकानदारों ने पिछले वर्ष समर नाइट मेले में दुकान लगाई थी वह कई बार पुनरु नहीं लगाते हैं, इस कारण अधिकांश दुकानें खाली रह जाती हैं। इसलिए इस बार दुकानदारों को पसंदीदा दुकान की बुकिंग की सुविधा दी गई है। तिगरा बांध में इस साल बिना किसी खर्च के 960 MCFT पानी पहुंचा। पिछले साल इतना ही पानी लाने के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च करना पड़ी। बांध में पानी आने से शहर में सप्लाई होने के बाद भी अप्रैल के तीसरे सप्ताह में तिगरा का जल स्तर 734 फीट पर पहुंच गया है। हालांकि इसके बाद भी शहर में नियमित सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है। शहर के लोगों को गर्मी के मौसम से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ककेटो व पैसारी बांध से तिगरा में पानी शिफ्ट करने की प्रक्रिया फरवरी माह में शुरू कर दी गई थी। इससे पहले अपर ककेटो बांध से ककेटो बांध में पानी शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और 7 फरवरी को तिगरा में पानी आना शुरू हुआ था। उस समय तिगरा में 733 फीट के लेवल पर 3160 MCFT पानी था। वर्तमान में तिगरा में 734 फीट पर 3420 MCFT पानी है। इससे आसानी से शहर को नियमित पानी की सप्लाई की जा सकती है। इसके बाद भी PHE के अधिकारी पिछले 1.5 माह से नियमित सप्लाई के नाम पर एक के बाद एक नए बहाने बनाते जा रहे हैं। यदि शहर वासियों को नियमित पानी की सप्लाई की जाए तो मानसून आने तक बमुश्किल 800 MCFT पानी की खपत होगी, जिससे बांध का जल स्तर मुश्किल से 4 से 5 फीट नीचे उतरेगा, जिसमें वाष्पीकरण भी शामिल है। हृदय रोगियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसे मरीजों को अब ग्वालियर में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिल सकेगी। माना जा रहा है कि JH में जुलाई महीने में यह सुविधा शुरू हो सकती है। यहां बता दें कि GRMC प्रशासन ने कार्डियोलॉजी विभाग बनाने तथा कैथ लैब लगाने का प्रस्ताव 1999 में DMA के माध्यम से शासन को भेजा था। जब तक प्रस्ताव पर अमल होता तब तक प्रदेश में सरकार बदल गई। 2009 में तत्कालीन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा ने कार्डियोलॉजी विभाग बनाने के लिए शासन से मंजूरी दिलाकर काम शुरू कराया। 2015 में कार्डियोलॉजी विभाग तो शुरू हो गया, लेकिन कॉरपोरेशन कैथ लैब नहीं खरीद सका, इस कारण इसकी कीमत बढ़ गई। यहां यह बता दें कि प्राइवेट में एंजियोग्राफी के 8 से 10 हजार रुपए, एंजियोप्लास्टी के 70 हजार से 1 लाख रुपए और पैसमेकर के 85 हजार से 1.5 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। कैथ लैब लग जाने के बाद कॉलेज काउंसलिंग की बैठक में उक्त सुविधा के रेट तय किए जाएंगे।
रेलवे प्रशासन 1 जुलाई से नए टाइम टेबल में दिल्ली से भोपाल के बीच 2 नई ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। यह ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस व अंत्योदय एक्सप्रेस है। ये 2 ट्रेनें ग्वालियर से होकर जाएंगी। इन ट्रेनों का स्टॉपेज मिलने से अंचलवासियों को फायदा होगा। हमसफर एक्सप्रेस में सभी कोच 3rd AC वाले होंगे। वहीं अंत्योदय में अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने 1 जुलाई से देश भर में 20 नई हमसफर व 10 अंत्योदय एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है। जुलाई में कुछ ट्रेनों की गति बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए ट्रैक मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ने से यात्रियों को फायदा होगा। इससे यात्री कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। ट्रेनों की स्पीड बढ़ने पर कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव 1 जुलाई से होगा, जिसकी समय सारणी रेलवे द्वारा अलग से जारी की जाएगी। हालांकि रेलवे ने अभी इन ट्रेनों की अधिकृत तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन रेलवे अफसरों का कहना है कि 2 ट्रेनें दिल्ली से भोपाल के बीच चलाई जाएंगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी में लंबे इंतजार के बाद BA BCOM 5वें सेमेस्टर प्राइवेट माध्यम के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। BCOM पहले 3rd सेमेस्टर व BSc 5वें सेमेस्टर ATKT प्राइवेट माध्यम का भी रिजल्ट घोषित कर दिया है। 4 माह बाद रिजल्ट घोषित करने के बाद भी बड़ी संख्या में छात्रों के रिजल्ट विदहेल्ड की श्रेणी में है। इससे ऐसे छात्रों को अब रिजल्ट क्लियर कराने के लिए JU के चक्कर काटने पड़ेंगे। उधर परीक्षा भवन में BEd 3rd सेमेस्टर की कापियां देखने पहुंचे छात्रों ने JU प्रशासन पर जानबूझकर फेल कराने के आरोप लगाए। ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मरीज की आकस्मिक मौत होने से यहां हंगामा हो गया। परिजनों ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिस पर हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्वालियर के साईं बाबा मंदिर के पास स्थित अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। मरीज का नाम RK दानी था, जो कि डिफेंस में रिटायर्ड साइंटिस्ट थे और दिल के मरीज थे। इसी का इलाज करवाने के लिए वे कल रात लगभग 2 बजे के आसपास अपोलो हॉस्पिटल में आए थे। वहां इन्हें भर्ती कर लिया गया। मरीज के परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रबंधन एवं डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मृत्यु हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस बीच मरीज एवं अस्पताल प्रबंधन के बीच तीखी झड़प भी हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि यदि इस संबंध में कोई शिकायत या आवेदन आता है तो यह जांच का विषय होगा एवं इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। उसको लेके परिजन कुछ अग्रेशन में थे, बस उसी की सूचना पर यहाँ पर आए थे। परिजन का आरोप था कि गलत मतलब लापरवाही नहीं और लापरवाही कोई डॉक्टर नहीं आया सुबह तक। नहीं, ऐसा कोई भी लिखित आवेदन है, ऐसी कोई शिकायत अभी थाने पे नहीं की गई। अगर ऐसा कुछ आएगा तो जांच का विषय। रात को 9:30 बजे यहाँ पे एडमिट करा, उन्होंने ये बोला गया कि हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 15 मिनट पहले इन्होंने मेरे को वो दिए पर्चा दिया जो 5800 की दवाई आई, और 5 मिनट पहले उन्होंने पर्चा दिया 9500 रुपये का। आप ये कह रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बताइए क्या तरीका। ऊपर से पुलिस बुला ली इन्होंने, हार्ट की प्रॉब्लम थी, रात को हम लेके आए, उन्होंने कहा आप संभाल लेंगे। रिटायर थे DRDO से। क्या नाम था? आर के दानी खेल। हाँ जी, DRDO से रिटायर थे, साइंटिस्ट पोस्ट से। डबरा BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर के एक पूर्व कर्मचारी की पत्नी मंगलवार को ग्वालियर जिला कलेक्टर के यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम इच्छा मृत्यु का निवेदन लेकर पहुंची। महिला का कहना है कि वह अपने बच्चे के साथ सुबह से कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन सभी अधिकारी चुनावी व्यवस्थता का हवाला देकर उसकी एक सुनने को तैयार नहीं है। ग्वालियर जिला कलेक्टर कार्यालय इच्छा मृत्यु का आवेदन लेकर पहुंची महिला बिंदु महंत का कहना है कि उनके पति छवि दास महंत BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डांस टीचर थे। 2 वर्ष पूर्व उनकी मौत के बाद उन्हें स्कूल प्रबंधन की तरफ से आश्वासन तो बहुत दिए गए, लेकिन उन्हें ना ही कोई आर्थिक सहायता दी गई, ना ही DLD की डिग्री होने के बाद नौकरी भी दी गई, बल्कि जिस क्वार्टर में महिला रह रही है अब अधिकारी उस पर उसको खाली करने का भी दबाव बनाने लगे हैं। ऐसे में महिला के सामने अपने बच्चे का और अपना जीवन यापन करना असंभव दिख रहा है, जिसके चलते वह राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति लेने की गुहार लगाने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई है। जी, यहाँ मैं अपने इच्छा मृत्यु की अर्जी लगाने आई हूँ सर। किसके पास? यहाँ कलेक्ट्रेट में। क्या कारण रहा इस तरह? जी, कारण यही है, 2005 में पति की मृत्यु होने के बाद में अब
परेशानियां बहुत हैं अपनी, नहीं मैं जीवन यापन कर पा रही हूँ ना बच्चे का। आपके पति पदस्थ और किस कारणों से मतलब दिक्कत आ रही है? BSF सीनियर सेकेंडरी में थे, डांस टीचर थे जी। उनकी मृत्यु के बाद से मतलब एक साल तक तो मैं ठीक ठाक रही, पर अब क्वार्टर भी खाली कराया जा रहा है और मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं बाहर क्वार्टर लेके रह सकूं। तो इसके लिए आपने कहीं शिकायत नहीं करी या फिर क्या कोई सुझाव नहीं निकाला? नहीं नहीं, शिकायत मैंने की थी वहाँ निदेशक महोदय तक, मैंने अपने व्यक्तिगत समस्याएं मतलब भेजी गई थी वहाँ, पर उन्होंने इस चीज़ में कोई मतलब संतोषजनक जवाब नहीं दिया मुझे जी। मदद तो यही हुई कि मैं अपने बच्चे का कहीं भी मुझे अच्छी मतलब जितनी मेरी ग्रेजुएशन है उस हिसाब से अगर कहीं जॉब मिल जाती है तो मैं अपने बच्चे का जीवन अपना और बच्चे का जीवन यापन अच्छी तरीके कर सकूं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह द्वारा मंगलवार को शहर में रोड शो निकालकर शहर के विभिन्न बाजारों में जनसंपर्क किया गया। इस रोड शो का जगह जगह स्वागत भी किया गया। कांग्रेस नेता बाल खांडे ने भी दौलतगंज में कांग्रेस प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत करते हुए चुनावों में पूरा समर्थन देने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय अशोक सिंह जी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और जिस प्रकार से आप सड़कों पे हुजूम देख रहे हैं, जिस तरीके का उत्साह है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सीट कांग्रेस एक लंबे अरसे के बाद जीतेगी, ऐसा हम सभी को विश्वास है। और जिस प्रकार से आज यहाँ सभी लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया है, रास्ते भर उनका स्वागत हो रहा है। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।